हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पार्ट आगे का है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, इस वाले वीडियो में हम वो कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्यों स्टार्ट हुआ, किस तरीके की कंडीशंस थी जिसकी वजह से जो है फ्रांस के पीपल को एक रिवॉल्यूशन लेकर के आना पड़ा अपने देश में। अब आगे है कि किस तरीके से आउटब्रेक कैसे हुआ रिवॉल्यूशन का, वो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आउटब्रेक का मतलब है कि कौन सी एकदम से ऐसी कंडीशन बन करके आ गई कि फ्रांस के लोगों को लगने लगा कि मतलब अब तो हमसे नहीं झेल पाएगा, अब तो बहुत हो गया है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो लुई 16 थे वो थे फ्रांस के एम्परर, है ना, फ्रांस के राजा थे। तो लुई 16 को टैक्स बढ़ाने पड़े, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था और वो अपनी कर्जे की वजह से काफ़ी सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट में चला जाता था और पैलेस ऑफ वर्साइल का खर्चा ही बहुत ज़्यादा था जिसमें वो रहते थे। तो इतनी ज़्यादा उनकी लेविश लाइफ होती थी कि उसको झेल पाना। फिर उसके बाद आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तो क्रॉप की कमी हो गई थी, बट बहुत सारी इस तरीके की कंडीशन आ रही थी कि टैक्स उनको बढ़ाना पड़ रहा था। तो टैक्स उनको बढ़ाना पड़ा, मगर टैक्स कौन पे करता था? टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करती थी। अब किस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाए, तो क्या प्रोसेस था ना फ्रांस में कि कभी भी राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। तो उसको क्या करना पड़ता था, तीनों एस्टेट, हमने तीनों एस्टेट के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नोबल क्लर्जी एंड थर्ड एस्टेट में आते थे सारे गरीब लोग, मतलब जैसे कि मिडिल क्लास लोग या फिर बिल्कुल लोअर तबके के लोग। तो फ्रांस में इस तरीके का था कि ओल्ड रिजीम जो थी वो फ्रांस की मोनार्की अपने आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती थी, उसको एस्टेट जनरल बुलानी पड़ती थी। अब ये एस्टेट जनरल क्या होता है, एस्टेट जनरल जो है ना वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एस्टेट तीनों की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। और वो मीटिंग जब आती थी, वो मीटिंग में उसके हर एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और वो पूरी की पूरी बॉडी मिल करके जो है वो कोई भी टैक्स पास कर सकती थी। और ये स्टेट जनरल जो है वो लास्ट 1614 में बुलाई गई थी। और अब क्या ईयर चल रहा था, लगभग 1774 का जो टाइम है, वहाँ से क्या हुआ था, लुई 16 सत्ता पे आया था। अब यहाँ पर क्या चल रहा था, 1789, मतलब 1614 से 1789 लगभग 150 ईयर्स तक तो कोई भी बुलाई ही नहीं गई थी एस्टेट जनरल। अब इसने लुई 16 ने एस्टेट जनरल को बुलाने के लिए मतलब एक प्रपोजल रखा और ये था उसमें कि टैक्स जो है नए टैक्स लगाए जाएंगे। तो एक काफ़ी बड़ा सा हॉल तैयार किया गया पैलेस ऑफ वर्साइल में कि सारे के सारे डेलीगेट्स उसमें आ सकें। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो थी उससे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच आने थे, जो कि मतलब जैसे कि गोल सी पार्लियामेंट है ना, सपोज करो तो आमने सामने यहाँ पर फर्स्ट एस्टेट और यहाँ पर सेकंड एस्टेट के 300-300 मेंबर्स जो हैं वो बैठेंगे, और जो थर्ड एस्टेट है उसके जो टोटल हैं वो 600 मेंबर्स होंगे और उनको पीछे की तरफ खड़ा होना होगा, हैड टू स्टैंड एट द बैक, मतलब पीछे की तरफ खड़ा होना होगा। थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अब काफ़ी प्रॉस्पेरस, काफ़ी मतलब अमीर हो चुके थे और एजुकेटेड क्लास के वो लोग थे, जैसे कि पीजेंट, आर्टिसन, वीमेन वगैरह, इन लोगों को एंट्री नहीं थी एस्टेट जनरल में। तो एस्टेट जनरल में पीजेंट्स हो गए, ठीक है, और आर्टिसंस मतलब जो गरीब तबका था और एक वीमेन, वो एस्टेट जनरल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और मगर उनकी जो ग्रीवियांसेस हैं, जो उनकी दिक्कतें थी, वो लगभग 40,000 लेटर्स के थ्रू वो लेकर के आए हुए थे थर्ड एस्टेट वाले, मतलब जो पीजेंट, आर्टिसन, वीमेन, ये लोग तो आ नहीं सकते थे एस्टेट जनरल में, मगर इनकी जो दिक्कतें थी, जो इनके इशूज थे, वो लगभग 40,000 लेटर्स की हेल्प से लेके आए थे थर्ड एस्टेट वाले। अब वोटिंग जो है एस्टेट जनरल की कैसे होनी थी, वन एस्टेट जनरल इन द पास्ट हमेशा कैसे कंडक्ट हुई थी, दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट, मतलब हर एस्टेट, पूरी की पूरी जो एस्टेट है, तीन एस्टेट है ना, तो हर एस्टेट का क्या होगा, एक वोट होगा। अब तो मतलब देखिए, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो हमेशा एक साथ चलती थी, तो इन दोनों के दो वोट होते थे, तो इनकी ही हमेशा चलती थी, थर्ड एस्टेट का तो एक ही वोट था, है ना। बट जो मेंबर्स अब थर्ड एस्टेट के आए थे वो ये डिमांड करने लगे थे कि वोटिंग जो हो वो पूरी की पूरी असेंबली की होगी और हर एक मेंबर, मतलब एक मेंबर का एक वोट होगा, वो ऐसा चाह रहे थे, क्योंकि
वो रूसो जैसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। तो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हर एक पर्सन का एक वोट होगा। और पहले जो चलती थी प्रथा वो क्या था कि तीन एस्टेट्स है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों एस्टेट्स का बस एक एक वोट होगा, ठीक है, तो टोटल तीन वोट होंगे। तो ये दोनों तो साथ रहते थे तो एक ही तरीके का डिसीजन ही लेते थे। बट अब लोगों ने कहा कि हर एक पर्सन का एक वोट होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड एस्टेट के थे वो लोग, मतलब ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा करे जा रहे थे, किंग ने डिमांड नहीं मानी। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर निकल गए प्रोटेस्ट शो करते हुए। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड एस्टेट के, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो पूरे के पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो है इसकी हम लोग बातें नहीं मानेंगे। 20 जनवरी, सॉरी 20 जून को, 20 जून, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 20 जून को वो लोग एक टेनिस कोर्ट के अंदर, जो ग्राउंड ऑफ वर्साइल, वर्साइल जगह थी, वहाँ पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर ये जो नेशनल असेंबली टाइप की बन गई थी, मतलब जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे वो एक टेनिस के कोर्ट में, जो कि इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसमें इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो हैं हम लोग नेशनल असेंबली हैं। और उन लोगों ने ये कसम खाई कि जब तक हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट कर देंगे फ्रांस का, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, अलग नहीं होंगे। और उन्होंने क्या डिसाइड किया था, जो मोनार्क है, मोनार्क होता था राजा, राजा की पावर पे वो लिमिट लगाएंगे। और इनके लीडर कौन थे, मिराबू और एबेसरीज। मिराबू जो थे वो एक नोबेल फैमिली के थे, मतलब ये नोबेल्स को बिलोंग करते थे, मगर इनको लगता था कि जो चीज़ें हो रही है थर्ड एस्टेट के साथ या देश में जो चल रहा है वो चीज़ें सही नहीं हैं। वो ये समझ गए थे कि एक सोसाइटी जो है इसमें से जो फ्यूडल प्रिविलेज है ये सब कुछ दूर करना पड़ेगा। उन्होंने जनरल लिखी थी और काफ़ी सारी स्पीचेस, पावरफुल स्पीचेस दी थी वर्साइल में। तो कौन कौन से इनके लीडर थे, मिराबू और एबेसेस। तो ये नाम याद रखने हैं कि जो जनरल असेंबली बनी थी उसके लीडर्स थे ये दोनों, ठीक है। जनरल असेंबली में कौन कौन लोग थे, मेनली थर्ड एस्टेट के लोग थे और कुछ प्रिविलेज लोग भी थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के, जो कि जिन्हें लगता था कि थर्ड स्टेट के साथ गलत हो रहा है, देश में गलत हो रहा है ना। तो एबेसेस जो एक प्रीस्ट थे, फिर उन लोग, इन्होंने भी थर्ड स्टेट वालों का साथ दिया और इन्होंने पैम्फलेट लिखे थे कि थर्ड स्टेट क्या है, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली जो है वो बिजी हो गई वर्सैल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, मगर जो पूरा का पूरा फ्रांस जो बाकी बचा हुआ था वो टर्मोइल में था, मतलब काफ़ी दंगे वगैरह छिड़ गए थे। काफ़ी हार्श विंटर थी, सिवियर विंटर थी, अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, इसका मतलब है हार्वेस्ट जो थी वो ख़राब होने वाली थी, ब्रेड के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए जो बेकर्स थे ना वो होर्डिंग करने लगे, मतलब वो अपने सामान को इकट्ठा करके रखने लगे ताकि ज़्यादा रेट पर बेच सकें। औरतें जो हैं घंटों घंटों तक क्यूज में खड़ी रहती थी बेकरी के बाहर। अब इससे क्या हुआ, औरतों में गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, शॉप्स में घुस गई और तोड़ाफोड़ी कर दी। सेम टाइम पे किंग ने ऑर्डर कर दिया था कि जो ट्रूप्स हैं वो टू मूव इन टू पैरिस, ट्रूप्स जो है सारी की सारी आर्मी के ट्रूप्स पेरिस में आ जाएंगे। और जुलाई 14 जो एजिटेटेड क्राउड थी उसने बिसेल के पैलेस पे और काफ़ी जगह पर हमला कर दिया कंट्री साइड में, मतलब गांव वाला जो इलाका है, देहात वाला इलाका, इसमें रूमर फैल गई थी कि जो मतलब जैसे कि जो ये ज़मींदार्स हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं ना, इन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जो मेनॉर्स हैं इन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। मतलब एक रूमर टाइप की फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी कि किसानों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब इसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में थे, तो उनके हाथ में जो भी लगा, उनके कुल्हाड़ी, भाला, उनके हल वगैरह जो भी उनके हाथ में लगा वो ले करके अटैक करने चले गए चैटिक्स पे। ये देखिए फ्रेंच वर्ड है, चैटिक्स ही टाइप का कुछ प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो ये क्या थे, ये थे किंग या फिर नोबल के खूब बड़े बड़े जो बंगले होते थे ना, उन पर ये लोग अटैक करने चले गए। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रेन जो है, खाना इन्होंने लूट लिया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जला दिए जो मतलब मेनोरियल ड्यूज बताते थे। मेनोरियल ड्यूज मतलब जो किसानों वगैरह ने जो किराया वो ले रखा था, कर्जा टाइप का ले रखा था, ये सारे के सारे जो ड्यूज बताते थे डॉक्यूमेंट्स, उनको जला दिया। और काफ़ी सारे नोबल्स जो हैं वो अपनी जान बचा करके भाग गए, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए और इधर उधर माइग्रेट हो गए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब रिवोल्ट हो रहा था पूरे देश में, दंगे हो रहे थे,
तो लुई 16 जो है उसने फाइनली नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली क्या थी, नेशनल असेंबली थी वो लोग जो इकट्ठा हुए थे एक टेनिस ग्राउंड में, थर्ड एस्टेट के लोग, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो लुई 16 जो राजा था उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर लिया उसने जो कि उस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और राजा की पावर्स पे कंट्रोल रहेगा। फिर 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डेक्री पास करी, मतलब असेंबली ने एक लॉ पास किया जो फ्यूडल सिस्टम है, जो ये ज़मींदारी का कि मतलब टैक्स पे किया जाएगा और इनकी अपनी चलेगी, लोग कुछ नहीं करेंगे, इनके पास ज़मीन होंगी, ये सबको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और टैक्सेस वगैरह भी ख़त्म कर दिए गए। मेंबर्स जो थे क्लर्जी के उनको भी अपनी प्रिविलेजेस, मतलब नोबल्स हो गए सारे के सारे, नोबल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, सबको अपनी जो है पावर्स छोड़नी पड़ेंगी। चर्च जो है, चर्च के पास जो लैंड था वो भी सारा उसे छीन लिया गया और गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो अब गवर्नमेंट के पास कम से कम $2 बिलियन का एसेट आ गया था। मतलब पहले चर्च, नोबल, क्लर्जी, इन सब के पास जितना भी लैंड हुआ करता था ना, वो सारा का सारा लैंड इनसे ले लिया गया, और अब गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड आ गया था। अब आता है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब लुई 16 ने मान लिया था नेशनल असेंबली की बातों को, फ्रांस जो है अब नेशनल असेंबली बन गया था। तो नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है एक रफ वर्क, अपना जो रफ वर्क था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा का सारा ये लोग, इन लोगों ने बता दिया। 1791 मतलब 1789 में इन्होंने करना स्टार्ट किया था, और 1791 तक आते आते इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लिया था। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का, वो ये था लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, मतलब जो मोनार्क था ना उसकी पावर पे कंट्रोल लगाना था। ये पावर्स जो हैं वो एक पर्सन के हाथ में ना रह करके नाउ सेपरेटेड बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन क्या थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब किंग की पावर को तीन भागों में बांट दिया गया, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर। इससे क्या बना, इससे फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब कौन कौन वोट दे सकता था, एक सबसे पहले आते थे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स वो लोग होते थे जिनको वोट देने का हक नहीं होता था, ठीक है। और इसमें कौन लोग थे, इसमें होते थे विमेन, चिल्ड्रन और यूथ, मतलब जिन लोगों की 25 साल से एज कम है, और विमेन और चिल्ड्रन इनको वोट देने का हक नहीं है। और 3 लाख लगभग, 3 मिलियन, 3 मिलियन होते, 30 लाख आदमियों को वोट देने का हक नहीं था, जिन जैसे लैंडलेस लेबरर्स होते थे या जो बहुत ज़्यादा कम टैक्स पे करते थे, उनको वोट देने का हक नहीं था। एक्टिव सिटीजन जो है, जो मतलब 3 लेबरर्स के वेजेस के बराबर का, मतलब या फिर आप कह सकते हैं 3 दिन का, अगर कोई आदमी, कोई मजदूर काम कर रहा है 3 दिन तक, फिर वो जो कमा रहा है, अगर इतना कोई टैक्स पे करता था ना, तो वो एक्टिव सिटीज़न होता था। फिर ये एक्टिव सिटीज़न जो है इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे, मतलब एक्टिव सिटीज़न वोट करते थे और इलेक्टर्स बनाते थे, कि मतलब अब हम लोगों ने 50,000 लोग जो है इलेक्ट कर दिए हैं, अब ये 50,000 लोग 745 लोगों को इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली के लिए। इसी तरीके से वोटिंग से जुडिशरी सेलेक्ट होती थी, है ना, और इसमें से नेशनल असेंबली में से ही क्या मिनिस्टर्स वगैरह निकलते थे, और एक किंग होता था, मिनिस्टर्स जो है एडवाइस वगैरह देता था किंग को। तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको राइट टू वोट था, पैसिव सिटीजन जैसे कि विमेन, लेबरर्स, चिल्ड्रन एंड पीपल बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसमें काफ़ी सारी जो पावर्स थी वो नेशनल असेंबली के पास थी, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। इनडायरेक्टली का भी हम लोगों ने देख लिया कि सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्टर्स को वोट देते थे, और इलेक्टर्स जो हैं वो असेंबली को चूज़ करते थे। सारे के सारे सिटीजन्स के पास वोट देने का हक नहीं था। मैन जिन जो 25 साल से ऊपर की एज के थे और टैक्स पे करते थे एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेज, एक लेबर की वेज के 3 दिन का अगर कोई टैक्स पे कर रहा है तो ही वो एक्टिव सिटीज़न है, अदरवाइज वो एक्टिव सिटीज़न नहीं है। रिमेनिंग मैन, सारे के सारे विमेन, बच्चे, सब पैसिव सिटीज़न थे, वो वोट नहीं देते थे। और इलेक्टर की तरह क्वालिफाई होने के लिए, और फिर उसके बाद मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए, एक हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब टैक्स अगर आप ज़्यादा पे करते हो तो आप लोग नेशनल असेंबली के हिस्से बन सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन स्टार्ट होता है, कि भाई ये मैन और सिटीजन के राइट्स होंगे, राइट टू लाइफ होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है, आप इक्वल हैं कानून के सामने, आप सब बराबर हैं, और
नेचुरल, ये सारे के सारे नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स हैं। नेचुरल मतलब कि भाई ये तो जन्म से मिले हुए हैं और इनको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये हर इंसान को है और कभी भी इसको छीना नहीं जा सकता है। और ये स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर सिटीज़न के जो ये राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, इसको वो दे। तो ये हम लोगों का हो गया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देश में आई और किस तरीके से चीज़ें चलनी थी। अब आगे के जो वीडियो हैं उस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रांति आ गई थी, मोनार्की जो है एक तरीके से हट गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी, फिर से फ्रांस में क्या होता है, मोनार्की को हटा देते हैं, राजा को मार देते हैं और फिर उसके बाद एक रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक होता है सिर्फ लोगों की चलेगी, फिर उसके बाद ये फिर से मोनार्की बनता है, नेपोलियन का रूल आता है, फिर नेपोलियन की डेथ होती है, फिर ये फिर से मोनार्की बनता है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।